वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। अजय देवगन को बॉलीवुड में काफ़ी समय बीत चुका है। अपने फिल्मी करियर में अजय देवगन ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं, जैसे कि दे दे प्यार दे और साल की शुरुआत यानी कि 10 जनवरी 2020 को अजय देवगन की तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर ने वाहवाही बटोरी। अब जल्द ही अजय देवगन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगे। ये फिल्म 2021 के 26 जनवरी में रिलीज होने वाली है। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था की तमाम पहलुओं को प्रभावित किया है, जिस कारण से इस फिल्म की डेट को आगे किया गया। अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लगातार जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से शानदार खबरें सामने आ रही हैं, वहीं अजय की एक के बाद एक फिल्मों को ऐलान के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वहीं अब अजय देवगन की फिल्म चाणक्य को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लेटेस्ट खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह फिल्म काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। चाणक्य में अजय देवगन के साथ लीड रोल में साउथ एक्ट्रेस समंथा किनेनी नजर आ सकती हैं, जो कि साउथ की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस है। समंथा किनेनी सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि फिल्मी पर्दे पर भी फिटनेस के लिए काफ़ी पहचान रखती हैं। समंथा किनेनी जल्द ही हिंदी डेब्यू करने वाली हैं और फिलहाल वह वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 में भी नजर आने वाली हैं। अब बात फिल्म चाणक्य के बारे में, तानाजी के बाद इस फिल्म में एक बार फिर से एक्टर का दमदार अंदाज देखने वाला है। इस फिल्म का तभी से बस बना हुआ है जब से अजय देवगन स्टारर इस फिल्म को लेकर जानकारी सामने आई थी। फिल्म में एक्टर चाणक्य के किरदार को निभाते हुए दिखने वाले हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर अजय देवगन के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को निर्देशक नीरज पांडे डायरेक्ट करने वाले हैं। अजय देवगन ने हाल ही में बताया है कि यह फिल्म को 2022 में रिलीज की जाएगी। यह फिल्म दो पार्ट में बनेगी क्योंकि चाणक्य के बारे में कहने को काफ़ी कुछ है और उसे एक ही फिल्म में समाहित करना मुश्किल है। चाणक्य वक्त से आगे की सोचते थे। राजनीतिक या सामाजिक तौर पर अब हो रहा है इन सब की चर्चाएँ चाणक्य उसी वक्त कर चुके हैं। उन्हें अपार ज्ञान था और हम अब देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वह सच हो रहा है। बता दें कि फिल्म चाणक्य रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं नीरज पांडे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी और चाणक्य नीतियों को आज के समय के हिसाब से दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।